आर्ट ओपन कर लेना होगा। और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, पिक्स आर्ट को ओपन कर लेंगे। और पिक्स आर्ट को ओपन करने के बाद क्या होगा, कुछ इस टाइप का जो ना आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा गाइस। तो क्या करना होगा आप लोगों को ना, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद क्या कर लेंगे गाइस, हम लोग नीचे जो स्क्रॉल करेंगे आप लोगों का जो है यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाएगा। बैकग्राउंड को आपको जो है ना सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करेंगे गाइस, आप लोग ना जो है आपके टूल्स पे इस तरह से क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे जो आपको ना पोर्ट्रेट का जो है ना पोर्ट्रेट टूल्स मिल जाएगा। तो क्या कर लेंगे, पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और उस पर क्लिक कर लेंगे गाइस। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आप लोग ना, यहाँ से नीचे क्या करना होगा आप लोगों को ना गाइस, यहाँ पे ना एड फोटो का आप लोगों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करना होगा। इस जो है ना इस पीएनजी को आपको क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ से ना आपको जो है ना यहाँ पे इसको आपको जो है ना अपने बैकग्राउंड से कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके ऐड कर लेना होगा। और ऐड कर लेंगे लेने के बाद क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ से इसको कुछ इस तरह से जो आपको एडजस्ट करना होगा, जूम करके कुछ इस टाइप से ना आपको मिडिल में रखना होगा। कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे उसको मिडिल में रख लेंगे। और इस तरह से मिडिल में रख लेने के बाद क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ से ना आप लोगों के यहाँ से क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा। क्या कर लेंगे हम यहाँ से ना अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे अगेन, क्या करना होगा आप लोग ना, नीचे आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे उस पर क्लिक कर लेंगे। इस पी एन जी को ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से क्या करेंगे गाइस, इसको स्ट्रेच करके कुछ इस टाइप का आपको ना इसको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ना आपको इरेजर पे क्लिक करना होगा। और इरेजर पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ से जो है इरेजर सेलेक्ट कर लेंगे। और कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेटिंग आपको कम कर देते हैं गाइस, और ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं। और कुछ इस टाइप से ना आपको इरेज कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स जो है ना आप लोग कुछ इस तरह से आपको क्या करना होगा, इरेज कर लेना होगा। और इरेज करने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को ना यहाँ से अप्लाई कर देना होगा। और अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ना स्क्रॉल करने के बाद क्या करना होगा, आपको एड फोटो का जो है ना ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक कर जो है ना आपको जिस फोटो को एडिट करना होगा उसको और दो पीएनजी यहाँ पे ऐड करना होगा। जो पी एन जी इसमें यूज होगा उसका लिंक आप लोगों ने गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कुछ इस तरह से इसको आपको एडजस्ट करना होगा। तो कुछ हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और लाइट पे क्लिक करते हैं। और कुछ इस टाइप से ना आपको इसको ब्लाइंड पे जाना होगा और यहाँ से इसको लाइट ट्रिम कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ना आपको ब्लाइंड कर देने के बाद उसको लाइट ट्रिम कर देंगे। और आपको जो है ना गाइस यहाँ से क्या करना होगा आपको ना, इस पर यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग ब्लाइंड पे क्लिक करके यहाँ से लाइटन कर देंगे। और लाइटन कर देने के बाद क्या करना होगा आपको ना, ओपेसिटी पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से जो है ना ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग इसको जो है ना डिक्रीज कर लेंगे, ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना होगा। अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप लोग रख सकते हैं गाइस सेटिंग। तो कुछ इस तरह से ना हम इसको 16 रख लेते हैं। इस तरह से आपको 16 रख लेना होगा। और 16 रखने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से ना इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो है ना आपको इरेजर को सिलेक्ट कर लेना होगा। और थोड़ा सा जो है ना गाइस यहाँ से हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, हार्डनेस को थोड़ा सा यहाँ से ना कम कर देते हैं और ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से ना। और कुछ इस टाइप से आपको ना इस तरह से साइड में ड्रॉ कर लेना होगा। कुछ इस तरह से ना आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से राइट क्लिक
क्लिक कर देंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे सिंपली। और राइट क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, अपने जो है ना यहाँ से अपने मॉडल पे आ जाना होगा आपको अप्लाई करने ना। यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना होगा आपको, इस तरह से क्या कर लेंगे, कटआउट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ पे ना मॉडल को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग कटआउट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस टाइप से ना आपको इस टाइप से आपको ड्रॉ कर लेना होगा। तो कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को कट आउट करके आपके ना आपको ना यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको इसको एडजस्ट करना होगा। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से आपको एडजस्ट करना होगा। हम लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग ना, थोड़ा सा इसको ओपेसिटी को हल्का सा इंक्रीज रखेंगे। और यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इरेजर वाले टूल पर जाना होगा आप लोग यहाँ से ना, और कुछ इस टाइप से इरेजर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ओपेसिटी को कम करके थोड़ा सा आप लोगों की इरेज करना होगा नीचे से। तो कुछ इस तरह से आपको हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे 15, और इसको भी शायद 15 रख लेते हैं। यहाँ से इतना कर लेने के बाद क्या करना होगा आपको, नीचे से ना कुछ इस टाइप से आपको इसको इस टाइप से आपको रिमूव कर लेने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से ना आप यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देने के बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ से ना हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपल से स्टेप होगा। यहाँ से ना आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को टूल्स पर क्लिक करना होगा। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर टूल्स पर क्लिक कर लेंगे और एडजस्ट पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको रिटचिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, तो अपने फोटो को क्या करेंगे थोड़ा सा ना आप लोग को रिटचिंग करना होगा। कुछ इस टाइप से ना आपको जो है ना कंट्रास्ट को इंक्रीज करना होगा गाइस, इस तरह से कंट्रास्ट को इंक्रीज कर लेते हैं हम, क्लियरिटी हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं। का सेटिंग अप्लाई कर लेने के बाद क्या करना होगा आप लोगों को, अप्लाई कर देना होगा और यहाँ से फोटो को